यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और गर्मियों का सीज़न स्टार्ट है, गर्मी भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, हर घर में डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स बनते हैं। तो आज हमारे किचन में भी बन रहा है ये बहुत ही मज़े का रिफ्रेशिंग सा वाटरमेलन जूस। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने ले ली है शुगर, देन ले लिया है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक भी इसको कहते हैं, आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने ले लिया है वाटरमेलन, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। देन मैंने जामेश्वरी ले लिया है और पानी ले लिया है। तो सबसे पहले मैं वाटरमेलन को ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। उसके बाद आप ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट का, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून शुगर। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप 3 या 4 भी डाल सकते हैं। वाटरमेलन क्योंकि ख़ुद भी मीठा होता है, इसके अलावा इसके अंदर जामेश्वरी भी ऐड करना है, तो शुगर की क्वांटिटी आपने बहुत ध्यान से रखनी है। देन मैं ऐड कर दूंगी जामेश्वरी। ये जामेश्वरी मैंने घर पे ख़ुद प्रिपेयर किया है। अगर आप भी घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दिया है। इस सबको आपने अच्छे से ग्राइंड होने देना है। तो जितनी देर तक ये ग्राइंड हो रहा है उतनी देर तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जनाब ये आपका अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब आपने इसको छलनी से छान लेना है ताकि इसके अंदर जो बीज है वो सेपरेट हो जाए, और फिर आपने इसको सर्व कर देना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।